गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अजय रेसिपीज में आपका स्वागत है। सर्दियों में दही खाना तो सभी को पसंद है, परंतु सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो जमता नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं गाढ़ा और मीठा दही आप किस टाइप से 1 से 2 घंटे में जमा सकते हैं। 1 किलो भैंस का दूध लेंगे, फुल फ्लैट वाला दूध है जिसको मैंने गर्म कर लिया है, और इस टाइप से उंगली डाल के देखेंगे, बिल्कुल नॉर्मल है ये, बहुत ज़्यादा गाढ़ा गर्म नहीं है। और ये मैंने 40 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है, दूध का पाउडर है, जामुन के रूप में दही लिया है, और कुछ मैंने ये मिर्च जो होती है हरी मिर्च उसके पीछे के डंठल लिए हैं डालने के लिए। सबसे पहले हम किसी बर्तन में दही जो है उसको चारों तरफ फैला देंगे इस टाइप से। 1 से 1.5 चम्मच आप दही ले सकते हैं 1 किलो दूध के जावन के लिए, और इस टाइप से इसको फैला देंगे। और उसके बाद में सारा दूध जो है हम इस टाइप से डाल देंगे। या तो आप इसको उलट फिट कर सकते हैं, या किसी ग्राइंडर की सहायता से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। एक ये जो मैंने पाउडर लिया था मिल्क पाउडर, वो भी डाल दूंगा, इससे दूध ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। आपको दूध जब उबालें, जब बिल्कुल भी पानी नहीं मिला है उसमें, गाढ़ा दूध का इस्तेमाल करना है। ग्राइंडर की सहायता से आप इस स्टेप से इसके झाग बना लें और इसको पूरी तरह से मिक्स कर लें। जितना गाढ़ा दूध होगा उतना ही गाढ़ा दही जमेगा। ये देखिए, पूरी तरीके से गाढ़ा दूध हो गया, बहुत इसकी कंसिस्टेंसी बहुत गाढ़ी हो गई। अब हम कोई कैसरोल लेंगे, उसमें हम ये हमारा दही जमाएंगे। इसमें चूंकि एक मोटी लेयर होती है जिससे इसका टेम्परेचर एज इट इज रहता है, इसलिए हम ये ले रहे हैं। दही हमने ऑलरेडी डाल दिया है और ये दूध देखिए कितना गाढ़ा हो गया है मिल्क पाउडर डालने की वजह से। इस टाइप से हम इसको डाल देंगे और हम इसको जमने देंगे। हम इसमें 2 ये मिर्च के जो डंठल है वो डाल सकते हैं। आप चाहें तो पूरी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन यूटिलिटी नहीं है। और इसको इस टाइप से बंद कर देंगे। उसके बाद में हम किसी कंबल या शॉल की सहायता से इसको बंद कर देंगे ताकि इसकी हीट एज इट इज रहे। इस टाइप से आप इसको बंद कर दें। आप शॉल ले सकते हैं, कोई दरी का टुकड़ा या और कुछ ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक कंबल लिया है, पतला कंबल सभी के मिल जाएगा सर्दियों में। इस टाइप से आप इसको रख दें और कहीं ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसमें छेड़छाड़ नहीं हो। 2 घंटे में ये दही बन करके जम करके आपका तैयार हो जाएगा। तीसरा तरीका ये है, हम एक कुकर लेंगे, उसको गर्म करेंगे और उसमें कुछ भी नहीं डालेंगे कुकर में। उसको इस टाइप से गर्म कर देंगे, ये हीट जब प्रॉपर आने लग जाए कुकर में, तब हम इसमें हमारा एक अन्य बर्तन में जो दही हम लेंगे, इस टाइप से देखें ये दही जो है हम इस टाइप से जमा लेंगे इसमें अन्य बर्तन में। और इसमें भी हम 2 मिर्च के जो डंठल हैं वो हम डाल देंगे और इसमें हम कुकर में जमाएंगे इसको। देखिए, कुकर पूरी तरीके से गर्म हो गया गैस पे। अब हमने जो हमारा दूध लिया था इसमें हम डाल देंगे इस टाइप से और इसको रख देंगे जमने के लिए। कुकर की सीटी जो है वो आपको बंद ही रखनी है, और इस टाइप से कुकर को आप बंद कर देंगे। कुकर को भी हम किसी कंबल से इस टाइप से आप ढक देंगे ताकि इसमें ज़्यादा हीट आ सके। जितनी हीट मिलेगी उतनी तेज गति से ये आपका दही जमेगा। और इसको आप इस टाइप से रख दें ताकि वहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे और ये सुरक्षित तरीके से दही जम सके। इस टाइप से एक मिट्टी का कुल्लड़ लेंगे, उसमें हम ये दही डाल देंगे, जो हमारा दूध था वो डाल देंगे। और इसमें भी 2 मिर्च के डांड डाल करके और इसको हम इस टाइप से किसी फॉइल पेपर की सहायता से बंद कर देंगे। और आप इसके ढंग से एक रबड़ लगा दें या आप वैसे भी बंद कर सकते हैं। 1 मिनट माइक्रोवेव ऑन करेंगे और इसको गर्म होने देंगे माइक्रोवेव को। उसके बाद में जब ये पूरी तरीके से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें हमारा दही का ये जो कुल्हड़ है वो रख देंगे। इससे दही बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जमेगा और बहुत जल्दी आपको 1 से 2 घंटे के अंदर दही जम करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए, माइक्रोवेव पूरी तरीके से गर्म हो चुका, इसकी हीट पूरी तरह से प्रॉपर है। अब हम इसको इसमें रख देंगे और इस टाइप से इसको जमने देंगे, बंद कर देंगे माइक्रोवेव, ये जम जाएगा आसानी से। आइए हम देखेंगे जो कुकर में हमने दही जमाया था 2 घंटे बाद में वो किस टाइप से जम करके तैयार हो गया। इसके लिए हम जो कंबल लगाए थे उसको हम हटा देंगे और ये कुकर का जो ढक्कन है उसको हम
इस टाइप से खोल लेंगे। ये देखिए, ये आपका एक शानदार मज़ेदार दही बन के तैयार हो गया। मात्र 1.5 से 2 घंटे लगे हैं इसको लगभग हमारे को बनाने में। एक मोटा मलाईदार मीठा दही बन के तैयार हो गया। आप इसमें से ये जो डंठल लिए थे हमने वो आप निकाल दें। आप इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज में ज़रूर रखें ताकि ये और ज़्यादा अच्छा बन सके। हमने जो दूसरे तरीके में से बताया था आपको कैस्ट्रॉल में दही जमाना, उसको हम देखेंगे। ये देखिए कितना मज़ेदार और मीठा दही बन के तैयार हो गया। ये देखिए शानदार मज़ेदार दही बना है आपका ये भी। और अब हम इसके जो मिर्ची के डंठल थे वो निकाल लेंगे। ज़्यादा बेस्ट दही बनाने के लिए आपको इसको भी 1 घंटे तक लगभग फ्रिज में रखना होगा ताकि ज़्यादा अच्छा मलाईदार दही जम सके। ये देखिए तीनों तरीके से जो हमने दही जमाया था तीनों तरीके से जम गया। लगभग 1 से 2 घंटे लगाए इन्हों को अलग अलग तरीके से जमाने में। दही का यही सिस्टम है कि आप जितना ज़्यादा गाढ़ा दूध लेंगे उसमें जितना ज़्यादा आप मिल्क पाउडर मिलाएंगे और जितना ज़्यादा उसको हीट देंगे उतनी तेज़ गति से दही जमेगा। आप प्लीज़ हमारे चैनल को पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें यदि आपके कोई सुझाव तो दें। थैंक्स।